हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। फ्रेंड्स, आप सभी ने नवरत्नों के नाम तो सुने ही होंगे। नवरत्न दैट मींस नौ तरह के रत्न, हीरे जवाहरात जो होते हैं, उनके नाम आप हिंदी में तो जानते हैं, पर क्या आप इंग्लिश में उनके नाम जानते हैं? अगर नहीं तो मेरे साथ ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं नवरत्नों के नाम इंग्लिश में। अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी और प्रोनंसिएशन को इम्प्रूव करना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी सारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। हम एक एक करके सभी नवरत्नों के नाम इंग्लिश में जानते हैं। मानक, इसे इंग्लिश में कहा जाता है रूबी। मोती, इसे इंग्लिश में कहा जाता है पर्ल, PEARL, पर्ल। इसी तरह से मूंगा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है रेड कोरल, रेड कोरल। हीरा, इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, हीरा को इंग्लिश में कहा जाता है डायमंड। पन्ना, इसे कहा जाता है एमरल्ड, एमरल्ड। इसी तरह से पुखराज, ये भी एक रत्न का नाम है और इसे कहा जाता है येलो सफायर, येलो सफायर। नीलम, जो कि हमारा नेक्स्ट रत्न है, उसे कहा जाता है ब्लू सफायर, ब्लू सफायर। याद रखिए, पुखराज को येलो सफायर कहा जाता है और नीलम को ब्लू सफायर। हमारा नेक्स्ट नवरत्न है गोमेद, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है हेसोनीड। स्पेलिंग ध्यान से देखिए, हेसोनीड, हेसोनीड। क्लियर? और जो आज का लास्ट नवरत्न है वो है वेदल्यू, या जिसे हम लहसुनिया भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहा जाता है कैट्स आई। सो आई होप अब आपको सारे नवरत्नों के नेम्स इंग्लिश में पता चल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आऊंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।